नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मोहन ठाकुर इसी एम टी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूँ। हिंदी मात्राओं का पूरा कोर्स अपलोड है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिंदी पढ़ने लिखने से जुड़ी 170 वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड है। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सर्वनाम शब्दों को देखने वाले हैं। ये एक जैसे शब्द होते हैं, जैसे मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मेरा, एक जैसे शब्द होते हैं। इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे बिंदी आती है, कहाँ पे नहीं आती है। तो इन सब चीज़ों को हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यदि आपको ये सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, और शुरू से हिंदी सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आगे जब वीडियो आए इसी तरह की तो आपको पता चल सके। अब जैसे पहला शब्द है मैं, ये क्या है? मैं का मतलब मैं, ठीक है। मैं एक अध्यापक हूँ। जितने भी शब्द मैं बोल रहा हूँ सब चीज़ें आपको सिखा चुका हूँ, अब आपको शब्द लिखने हैं, वाक्य लिखने हैं। जैसे मैं है, तो मैं से क्या कर रहा है आपको, मैं का मतलब अकेला मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ, तो इस वाक्य को आपको लिखना है। अब ये होता है मैं, अगर इसमें एक लगाए तो ये बनेगा मैं, ये कोई शब्द नहीं होता। अब अगर हम इसमें ऐसे लगाकर ऊपर बिंदी कर दें तो ये बन जाएगा मैं, किसी चीज में, मैं इस कमरे में। मैं का मतलब किसी चीज के अंदर, और मैं का मतलब क्या होता है, मैं खुद। और इसी तरह अगर मई कर दे तो मई कुछ नहीं होता, मैं मई, ठीक है, ये भी कुछ नहीं होता। मैं का मतलब होता है किसी चीज के अंदर, मैं का मतलब होता है मैं खुद, और मैं का मतलब जनवरी फरवरी मई जो पढ़ते हैं ना हम, जिसको मई भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मैं। मैंने का मतलब है कि मैंने किसी काम को किया है, मैंने पूरा मैंने किया है, ठीक है। मैंने इसको क्या पढ़ते हैं, मैंने मुझे, ठीक है, मुझे वो चीज़ नहीं मिली। मुझे का मतलब उस चीज़ में मुझे इंक्लूड नहीं किया गया, मैं नहीं हूँ इसमें, मुझे या मुझे वो चीज़ चाहिए। मुझसे क्या होता है, जब किसी काम को हम कहते हैं कि उसने मुझसे बात नहीं की, मतलब मेरा रिलेशन नहीं रखा उसने, ठीक है, मुझे ऐड नहीं किया, तो मुझे, मुझसे। अगला शब्द है मेरा। जब कोई चीज़ मेरी हो, जब कोई चीज़ को दिखानी हो, तो हम मेरा यूज़ करते हैं। मेरा घर, मेरी वीडियो, मेरा या मेरी। मेरा कौन यूज़ करता है, जो लड़के होते हैं, जो लड़कियां होती है, स्त्रीलिंग होती है, वो मेरी यूज़ करती है, ठीक है। मेरा, मेरा घर, मेरा पेन, मेरा फैन, मेरा मोबाइल, मेरा चैनल, तो ये सब चीज़ें अपनी चीज़ को दिखाने के लिए हम मेरा यूज़ करते हैं, ठीक। तो मेरा लक्ष्य है कि आप इन शब्दों को पढ़ सके और इनके बारे में अधिक जानकारी ले सके, ताकि आपको लिखते समय ना मात्राओं में दिक्कत हो, ना उसके अर्थ से दिक्कत हो। अब मैं एक अध्यापक हूँ, मेरा एक अध्यापक हूँ, ये मैं कहता हूँ तो गलत है। मुझसे एक अध्यापक हूँ, ये भी गलत है। मुझे एक अध्यापक है, ये भी गलत है। मैंने एक अध्यापक हूँ, नहीं, क्या है, मैं एक अध्यापक हूँ, तो ये सही है, बाकी गलत। बाकी अलग अलग वाक्य में अलग अलग तरह से यूज किया जाएगा उसका। इसी तरह तुम, क्या बना, तुम, तू, मने, तुमने, तुमने ये काम नहीं किया। तुम का मतलब क्या है, सामने वाला। तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हें याद नहीं, ये तुम्हें करके एक साउंड आ रहा है, इसके लिए बिंदी आती है, तुम्हें, ठीक है। तुमसे, तुमसे यह काम भी नहीं हुआ। तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है, मतलब सामने वाले का नाम पूछा जा रहा है, ये क्या है हमारा, तुम्हारा। ये आधा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे म के साथ अ का साउंड नहीं आ रहा है, इसीलिए यह आधा हो गया, ये आधे वर्ड में मैंने आपको बताया हुआ है। इसी तरह आप, तुम या तू जो होता है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं माना जाता, तुमको गलत भाषा माना जाता है इंग्लिश के हिसाब से, ठीक है, और आपको अच्छी भाषा माना जाता है। अगर मैं कहता हूँ तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, और मैं कहता हूँ आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो देखिए कितना अच्छा लगा, तो आपको अच्छा माना जाता है तुम के मुकाबले। अब ये आप बना, आपका मतलब आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने यह वीडियो देखा, आपको यह वीडियो देखना चाहिए, आपसे यह वीडियो समझ में नहीं आता है, ठीक है, आपसे मुझे लाइक की उम्मीद है, आपका, आपका नाम क्या है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे शब्द क्या होते हैं, एक एक जैसे होते हैं, और मात्राओं में इनको अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। इस वीडियो के लास्ट में एक बार मैं इन सभी शब्दों को बोलूंगा, आपसे हो सके तो बिना देखे इनको लिखने की कोशिश कीजिएगा। मिला जुला के बस एक ये है कि आपको एक अलग तरह की नॉलेज मिल सके, और थोड़ा बहुत हिंदी का विस्तार हो सके, और आप लोग थोड़ी बहुत ये भी चीज़ समझ सके। अब यह है हम का मतलब जब एक से अधिक लोग हों, ये होता है एक वचन, जब एक अकेले की बात हुई थी, यहाँ से बात किसकी होने लगी, हम का मतलब एक से ज़्यादा लोग, तो हम कब यूज़ किया जाता है, जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं। हम यह वीडियो बनाते हैं, हमने यह वीडियो बनाई, ठीक है। फिर हमें,
ये ए ए का साउंड आता है इसलिए ऊपर बिंदी आती है, हमें, ठीक है, हमें उन्होंने नहीं बुलाया। हमें का मतलब क्या है, हम बहुत सारे जो भी हमारी फैमिली थी हमें उन्होंने नहीं बुलाया, और मुझे नहीं बुलाया का मतलब अकेले मुझे नहीं बुलाया। अगर हम ज़्यादा जने हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, हमें, हमसे, हमसे ये नहीं होता, हमसे मतलब हम बहुत सारे जने हैं, हमसे ये नहीं होता, हमारा, ठीक है। हमारा कौन सा चैनल है, आसान विद आदित्य है, ठीक है, किसका, मेरा और आपका, जो भी लोग वीडियोस देखते हैं उन दोनों का मिलके हमारा ही है, आसान विद आदित्य चैनल है, आदित्य मोहन ठाकुर चैनल है, एएमटी क्लासेस चैनल है, ठीक, किसका है ये, हमारा, जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं मुझे सपोर्ट करते हैं। वह क्या होता है, जब किसी को हमें डिनोट करना होता है, वह, ठीक है, किसी की तरफ इशारा करना होता है, वह, तो वह इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह, उसने, उसे, उसे कुछ भी नहीं मिला, उसे इशारा कर रहे हैं ना हम, उसे, उससे कुछ नहीं होता, उससे इशारा करके बोलेंगे हम, उससे कुछ नहीं होता, उसका, उसका भाई कितना बड़ा है, वो हमारे पास नहीं है, हमारे दूर है, उसका भाई कितना अच्छा है, उसका भाई सैनिक, सैनिक है, तो ये सब वाक्य कब यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ दूर होती है। अब दूर में अगर एक व्यक्ति है तो वह यूज़ करेंगे, अगर दूर में कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा है, दो है, चार है या दस है, तो उनके लिए वे यूज़ करेंगे, ठीक है। वे मेरे भाई हैं, वे का मतलब क्या है, एक से अधिक, अगर एक होगा तो वह कहूँगा, वह मेरा भाई है। उन्होंने, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा लोग थे। उन्हें, उन्हें कोई नहीं पूछता, उन्हें का मतलब क्या है, वो एक से ज़्यादा लोग है, अगर एक होते तो हम कहते उसे कोई नहीं पूछता, ठीक है। उनसे, उनसे कुछ नहीं होता, उनसे का मतलब क्या है, एक से अधिक लोग हैं, वो जितने भी लोग हैं वहाँ बैठे हुए हैं उनमें से उन्हें कुछ नहीं आता, ठीक है। उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है का मतलब क्या है कि वो जो सारे लोग बैठे हैं उनका नाम क्या है। अब इनका एक वचन में भी इस्तेमाल किया जाता है, बहुवचन में भी इस्तेमाल किया जाता है। यूपी के लोग इनका अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं, दिल्ली के लोग इनका अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये बोली की वजह से अलग अलग होता है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आपको मैंने जितनी भी चीज़ें मैं कर पाया, जो समझा पाया आपको, तो बाकी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है, तो मुझे आशा है इन सब का पहले से अधिक आपको पता चल गया होगा, और मात्राएं भी पता चल गई होगी, ऊपर बिंदी किन शब्दों पे आता है ये भी पता चल गया होगा। बाकी जितनी भी मात्राएं होती हैं उन सबकी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड है। अब एक बार इन शब्दों को मैं फिर से पढ़ देता हूं, अगर आपको लिखना है तो मात्राओं के लिए आप चेक कर सकते हैं। मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मेरा, तुम, तुमने, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, आप, आपने, आपको, आपसे, आपका, हम, हमने, हमें, हमसे, हमारा, वह, उसने, उसे, उससे, उसका, वे, उन्होंने, उन्हें, उनसे, उनका। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे आसान विद आदित्य चैनल से जुड़ सकते हैं। 260 प्लस वीडियोज़ उस चैनल पर अपलोड है बेसिक इंग्लिश पढ़ने लिखने की।